Hello children, welcome to the YouTube channel of City Heights Public School, Barabanki. Today I will teach you third chapter of social science of class 3rd, and your chapter is India and its physical divisions. About the chapter, mountains, desert, plain, Iceland, groups, plateau and climate. India is very big country कहा जाता है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है India is a vast country. Vast का मतलब भी बड़ा होता है, big का मतलब भी बड़ा होता है, big vast का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है. भारत एक बहुत बड़ा देश है. It is the world's seventh largest in area and second most populous country. भारत विश्व में सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है. इंडियाज लैंड इज नॉट द सेम एट एवरी प्लेस. भारत की जो ज़मीन है वो सब जगह पर एक जैसी नहीं है. इट हैज़ हाई माउंटेंस. इसके यहाँ पर यानी कि आपके भारत में बड़े बड़े माउंटेन हैं. प्लेन्स यानी मैदानी एरिया है. प्लेटो आप लोग जानते हैं, पठारी एरिया. एंड डेजर्ट और रेगिस्तान है. एट सम प्लेसेज और कुछ जगह है द लैंड इज रॉकी. जो जमीन है, भूमि है, वो पथरीली है. एट सम प्लेसेज और कुछ जगहों पर इट इज सैंडी, ये बलुई है. एंड एट अदर और अन्य जगहों पर इट इज क्लेई और ये क्लेई मिट्टी है. आप लोग शायद क्लेई मिट्टी पढ़े होंगे, चिकनी मिट्टी. सम प्लेसेज हैव ब्यूटीफुल वैलीज वाइल सम अदर हैव ग्रीन फॉरेस्ट. कुछ जगहों पर बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं, वैलीज हैं. वाइल जबकि सम अदर हैव ग्रीन फॉरेस्ट, जबकि कुछ जगहों पर हरे भरे जंगल हैं. हेयर वी हैव रिवर्स, वाटरफॉल्स, बीचेज, आइसलैंड, बेज एंड सीज आल्सो. यहाँ पर नदियाँ हैं, वाटरफॉल हैं, बीचेज हैं आप लोग जानते हैं, आइसलैंड हैं, बेज हैं एंड सीज आल्सो. नदियाँ हैं, वाटरफॉल यानी कि जो जलप्रपात गिरते हैं ऊपर से आते हैं, बीचेज यानी कि समुद्र के किनारे, आइसलैंड जो समुद्र के अंदर होते हैं द्वीप, बे यानी कि खाड़ियाँ यानी कि जहाँ पे गहरा होता है, एंड सीज समुद्र, ठीक. फिजिकली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है. माउंटेन, प्लेन, प्लेटो, डेजर्ट एंड आइसलैंड ग्रुप्स. ओके, कम लेट अस नो अबाउट देम इन डिटेल. आइए हम जानते हैं इनके डिटेल, इनके बारे में, ठीक है. इसमें है माउंटेनियस एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र. इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज लोकेटेड द ग्रेट हिमालयन रेंज. उत्तर भारत में बहुत बड़ा हिमालयन रेंज है. मोस्ट ऑफ इट्स पीक आर कवर्ड विद स्नो ऑल द ईयर राउंड. पूरे साल भर इसकी जो चोटियां हैं, पीक्स हैं, ये कवर्ड रहती हैं स्नो से यानी बर्फ से ढकी रहती हैं. द हाइएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इज इन दिस रेंज, इस हिमालयन रेंज में. इट लाइज इन नेपाल और जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम नेपाल में है. द सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो उत्तरी और मध्य पार्ट है भारत का, टू हैव सम माउंटेन रेंज. यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, बट दे आर नॉट एज हाई एज द हिमालय, लेकिन ये इतने ऊंचे नहीं हैं जितने ऊंचे हिमालय के हैं, ठीक है. रिमेम्बर में है द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2, जो हमारे भारत में जो हिमालय है इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2, माउंट गोडविन ऑस्टिन. इट
इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है। ऊटी इज ए वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया, और ऊटी कहा जाता है भारत का साउथ का सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, बहुत बढ़िया जगह है। ओके, द मिडिल रेंज ऑफ हिमालयाज हैज ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। जो मध्य एरिया है हिमालय का बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हिल स्टेशन हैं लाइक मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ETC। ओके,